Welcome to my new video. In this video, we solve one numerical about a cam profile drawing for acceleration and retardation. ठीक है, हम cam profile draw करेंगे acceleration और retardation motion जब हमारा cam का rotate करेगा, जब produce करेगा accelerate होगा या retardation produce होगा. तो ये question आपके सामने एक है. मैं इस question में आपको सिर्फ displacement diagram बनाना सिखाऊंगा इस lecture में, क्योंकि प्रोफाइल डायग्राम बनाना मैं इससे पहले सिखा आपको, इससे पहले दो वीडियो में मैंने बता चुका हूँ. तो आप सेम टू सेम वैसा ही यहाँ भी बनेगा. ठीक है, मेन है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना, जो कि बहुत लोगों को नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम होता है बनाने में. तो मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ. जैसे अ कैम विथ अ मिनिमम रेडियस ऑफ 50 mm, मीन्स कैम का जो रेडियस, जब कैम प्रोफाइल बनाएंगे, जो आप बेस सर्किल लेंगे वो 50 mm रेडियस है. ठीक है, उसका रोटेटिंग क्लॉक वाइज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट हो रहा है, मीन्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा. इज रिक्वायर्ड टू गिव अ नाइफ एज फॉलोअर है हमारा. क्या है? नाइफ एज फॉलोअर है. ये हमारा एक कैम हो गया. ओके, ये कैम, ये फॉलोअर. टू मूव आउटवर्ड थ्रू 40 mm ड्यूरिंग 100 mm रोटेट, मीन्स ये हमारा कैम का हॉरिजेंटल, जब ये 100 degree, मीन्स ये 100 degree जब रोटेट करेगा कैम, तब ये हमारा जो फॉलोअर है ये 40 mm अपवर्ड जाएगा. ठीक है, नाउ द टू ड्वेल फॉर नेक्स्ट 80, यहाँ से जब ये 80 degree रोटेट करेगा, ठीक है, तब ये रेस्ट में होगा फॉलोअर. नाउ द नेक्स्ट स्टार्टिंग पोजिशन फ्रॉम ड्यूरिंग नेक्स्ट, इसके बाद 90 degree जब ये रोटेट करेगा, तब ये हमारा डाउनवर्ड होगा. ठीक है, और फिर उसके बाद रोटेट करेगा तो ड्वेल का मीन्स रेस्ट होगा, रेस्ट पे होगा फॉलोअर, तो उससे हम नहीं लेंगे. तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, एक आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेना स्केल पे, सिर्फ ये लाइन. ठीक है, ड्रॉ कर लेना. फिर क्या करना है, आपको 100 mm दिया है यहाँ पे. ठीक है, आप कैसे स्केल पे लाओगे, तो एक काम, जो जो डिग्री दिया है आप उसको सब सारे को 2 से डिवाइड कर दो. तो मैंने यहाँ पे जो जो मुझे काम है, जिसका आउट स्ट्रोक का, रिटर्न स्ट्रोक का, ड्वेल जो बीच वाला पार्ट है हमारा, उसका 2 से डिवाइड कर दे. 50 degree मीन्स मैंने 5 cm स्केल पे लिया. आर 90 degree, हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे 90 है रिटर्न के लिए ड्वेल, तो इसे हमने क्या लिया, इसे हमने लिया 45 degree. 2 से डिवाइड करने पाया मीन्स 4.5 cm. और जो ड्वेल हमारा 80 है, उसको मैंने 40 degree लिया, डिवाइडेड बाई 2 करके, मीन्स 4 cm. तो आइए अब देखते हैं कैसे हमने बनाया इसे. ठीक है, तो एक हॉरिजेंटल लाइन लिया, आउट स्ट्रोक हमारा 5 cm है, मीन्स 5 cm पे एक मार्क किया. उसके बाद ड्वेल हमारा कितना है, 80 degree, मीन्स 4 cm मैंने लिया, 4 cm पे मार्क किया. नाउ रिटर्न स्ट्रोक हमारा कितना था, 90 degree, मीन्स 45, मीन्स 4.5 पे मैंने मार्क किया. ओके, अब क्या करेंगे, और बोला हमारे क्वेश्चन में जब हमारा फर्स्ट ये 100 degree आउट स्ट्रोक पे होगा, तो ये फॉलोअर जब हमारा 40 mm अपवर्ड जाएगा, मीन्स 4 cm, मैंने क्या किया, 4 cm का ऐसे यहाँ से मार्क किया 4 cm तक. ठीक है, और एक बॉक्स क्लोज कर दिया. ये हमारा हो गया आउट स्ट्रोक के लिए, ये हमारा ड्वेल, ये नेक्स्ट रिटर्न स्ट्रोक. अब क्या इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दे, दोनों आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को 6 पार्ट में करें, 8 पार्ट में करें, आपको जैसे मन है वैसे. 6 पार्ट बेस्ट हैं. कैसे डिवाइड करें, डिवाइड करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है. तो क्या करें, आप एक किसी भी एंगल पे एक लाइन ले, किसी भी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर ले. जैसे कि मुझे 6 पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे इस पॉइंट पे रखा, ये हमारा 1 cm, 0 cm पे मैंने 6 cm, 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 6 cm का एक लाइन ड्रॉ किया. ठीक है, लाइन ड्रॉ किया, इसके इंटरनल ही आपको ड्रॉ करना है, जो भी करना है 6 पार्ट में बांटना है. अब अगर 8 पार्ट में आपको बांटना हो, तो आप 8 टाइम्स आप ऐसे नीचे कर लोगे, तो आपका 8 जहाँ आएगा वहाँ से. तो मैं इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया, किसी भी एंगल पे लेके मैं ये 6 ले लिया. ठीक है, अब क्या करना है, ये पॉइंट दिया, अब इसको आप 1 cm का पॉइंट दे दो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया. अब रोलर स्केल के मदद से आप इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आपका जो आउट स्ट्रोक का एंड पॉइंट है उसको मैच करो. हो गया ना, पीछे इसी तरह ये इसके लिए,
इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। अब इसको आप नेमिंग कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेम टू सेम इधर साइड के लिए वैसे ही करना है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। 6 सेंटीमीटर के लिए लेना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं काम करता हूँ, ये लिया, ठीक, मार्क कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 वाला पॉइंट को इससे आप रोलर स्केल से मदद से इससे ज्वाइन कर लें। अब सेम पॉइंट पे पीछे जाना है आपको, ठीक है, ये हो गया। इसे भी मार्क कर लीजिए आप, 0-1-2-3-4-5-6। हो गया। अब ये आप इसको आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा दीजिए। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम बचे। ओके, ये हो गया हमारा, मैंने लाइन प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ। ये हमारा कितना है, 40 mm, हमने लिया कितना, 4 सेंटीमीटर स्केल पे लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि क्रॉस करते हुए, नहीं नहीं सब क्या कीजिए, सॉरी फॉर डैट, ये जो बीच वाले पार्ट हैं, थ्री, ये बीच वाला पार्ट है 3 पॉइंट पे, ठीक है। इसको आप ये लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड कर लें। जब का 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे आप, 4 / 6 कर लीजिए, 0.66 पॉइंट पे आ रहा है, मीन्स ये 5 और ये 6 पॉइंट, ठीक है। ये फिर यहाँ से 6 पे ऐसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जो ये 3 है पॉइंट 3 पे, मैंने ये मेन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है, 6 का मिड पॉइंट 3 है, इसे मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब जो इसका थर्ड पॉइंट जो बीच में, इससे एक लाइन ड्रॉ करिए, कर्व बनाइए ऐसे। सिमिलरली इसको भी 3 को 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए थर्ड पॉइंट से, मीन्स ये आपका एक्चुअली थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट आपने माना ए बी सी डी ई, ये 6 पार्ट में डिवाइड किया था। अब इसको इससे ज्वाइन करा दीजिए, ए को, ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर वाले के लिए आप इधर से करेंगे, सेम टू सेम यहाँ भी आपको वैसे ही करना है। इसके लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारा एच, ये हमारा आई, ये हमारा जे। ओके, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, ये ए से, ये 1 पॉइंट है, यहाँ पे कट कर रहा है आपका पॉइंट, ये ए हुआ, ये 1 का, यहाँ पे आप एक डॉट लगाएं 2 का। इसके लिए अब ए बी सी ऐसे नेमिंग करना है, इसके लिए यहाँ कट कर रहा है, ये दे दें, ये इसके लिए ये, ठीक है। आप एक कर ज्वाइन करा दें आप, ओके, सेम टू सेम इसके लिए, ये हो गया, ये हो गया, इसके लिए ये, इस लाइन के लिए ये, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, ये आपका एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब जब आप प्रोफाइल बनाओगे तो कैसे आप मार्क करोगे, ये 1 पॉइंट पे रखो। अब जो आपका कर्व जो गया है, अब ध्यान से अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये 1 पॉइंट है, ठीक है, ये 1 पॉइंट से जो हमारा ये पॉइंट बी जिससे कर्व गया है, ये पॉइंट हम नापेंगे
मेज़र करेंगे और वहाँ पे जो एंगल को डिवाइड करने के बाद जो हम वन पॉइंट पे रखेंगे और ऐसे कट मारेंगे, वैसे ही सेम कैम प्रोफाइल ड्रोन कनर टू से ये कर्व यहाँ गया है तो वहाँ टू पॉइंट पे रखेंगे, मार्क करेंगे, उसके बाद एक कैम प्रोफाइल बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका कैम प्रोफाइल एक्चुअली मैं बनाया नहीं वरना मैं आपको दिखाता। ओके, तो आप इसे बना लेना। तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप उस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।